राशिफल के अनुसार आज यानी 25 मार्च सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है। सभी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आपका आज का राशिफल। मेष राशि, आज का दिन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपके कार्य क्षेत्र में आपका किसी अहंकारी व्यक्ति से टकराव हो सकता है। अगर किसी प्रकार का टकराव होता है तो आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको अपने कार्य में किसी प्रकार का आलस नहीं करना है, बल्कि छुट्टी वाले दिन भी आपको कोई नया कार्य करने की प्लानिंग करनी होगी। वृषभ राशि, आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको आपकी नौकरी में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप इससे परेशान बिल्कुल भी ना हो तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे सभी स्थिति आपके फेवर में रहेंगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आपने जो भी नए प्रयोग किए हैं वो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज अपनी आँखें खुली रखें, आपके आसपास ही कोई व्यक्ति आपके साथ छल कर सकता है। मिथुन राशि, आज का दिन आपका ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने ऑफिस में मीटिंग के दौरान बताए गए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करने की आदत बना लें, भविष्य में आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो महिलाएं अगर व्यापार करने के लिए इच्छुक हैं तो वो अपने व्यापार से संबंधित ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं, ऐसा करना उनके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। महिलाएं अपने पॉकेट के अनुसार ही कोई छोटा व्यापार शुरू करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपका और दिनों के मुकाबले अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके ऑफिस में आपके बॉस आपसे किसी बात पर नाराज हो सकते हैं, इसलिए कार्य करते समय आप बहुत अधिक ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। अपने दफ्तर के कार्यों में बहुत अधिक ध्यान पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अपने पुराने और खास बड़े क्लाइंट से वाद विवाद करने से बचना होगा, अन्यथा आपके व्यापार में कोई बड़ी डील कैंसिल हो सकती है। खाने का व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी दिन अच्छा है। घर या मकान बेचने या खरीदने से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको उसमें लाभ मिल सकता है। सिंह राशि, आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के कार्यों में बहुत अधिकता हो सकती है। आज के दिन आप अपने रुके हुए कार्यों को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा या सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत अधिक लाभकारी रहेगा। आज आप अपने संतान के भविष्य को लेकर संतुष्ट रहेंगे और आप उसके भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं जो आपकी संतान की भलाई के लिए होगा। कन्या राशि, आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी या आपके अधीन कार्य करने वाले जातकों के बदले हुए सुर आपको परेशान कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम पर कार्य करने वाले जातक दूसरे लोगों से संपर्क बनाएं, अपने आसपास के लोगों के साथ में मेल मिलाप बनाए रखें। पढ़ाई करने वाले जातकों की बात करें तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तुला राशि, आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। दूसरों के प्रति आपका विनम्र स्वभाव रिश्तों को बहुत अधिक मजबूत बनाएगा। आज आप अपने आस पड़ोस में सगे संबंधी से किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में वर्तमान समय में तनाव के चलते जॉब छोड़ने की बात करना उचित नहीं है। किसी प्रकार का उचित निर्णय लेने से पहले कई बार अवश्य सोचें। आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहीं पर करते रहें, आपकी तरक्की वहीं पर हो सकती है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपका और दिनों के मुकाबले ठीक ठाक रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज अगर आपकी बॉस आपसे नाराज चल रहे हैं तो आपको उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। अपनी गलती के लिए माफी भी आज आप मांग सकते हैं। अपने और अपने बॉस के संबंधों को अधिक मजबूत रखने का प्रयास करें। आपके ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आपकी स्थिति आपके संबंधों को अधिक मजबूत करने वाली चल रही है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारिक संबंध यदि बिगड़े हुए थे तो उनमें मजबूती आ सकती है। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको अपने पार्टनर से मिलकर बातचीत करके ही चलना होगा, तभी आपका व्यापार उन्नति कर सकता है।
धनु राशि, आज का दिन आपका थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। आज जीवन में कुछ कष्टदायक परिस्थितियां आ सकती हैं, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और मानसिक तनाव में आ सकते हैं। लेकिन आप शंकर भगवान की उपासना करेंगे तो आपकी सभी परेशानियां जल्द ही दूर हो सकती हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा। मकर राशि, आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके दफ्तर के कार्यों को लेकर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए सफल होते दिखाई देंगे। आज आपको अपने नेटवर्क बढ़ाने के लिए पूरी ऊर्जा लगानी है और अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन बढ़ चढ़ कर करना है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो दैनिक व्यवसाय करने वाले जातकों को आज संतुष्टि की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके दफ्तर के कार्यों का बोझ आपके ऊपर बहुत अधिक हो सकता है, आप इसके लिए पहले से तैयार रहें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के ग्राहक में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक मुनाफा हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को आज बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपने गलत दोस्तों के संगत से थोड़ा दूर रहें। अगर आप कार्य की बहुत अधिक व्यस्तता के कारण अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं तो आप अपने परिवार के लिए समय निकालें, जिससे आपका परिवार आनंद महसूस कर सकता है। मीन राशि, आज का दिन आपका और दिनों के मुकाबले बेहद ही अच्छा रहने वाला है। आज नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने साथ के लोगों के साथ में सौम्य वाणी का प्रयोग करें। कर्मठ रहते हुए लोगों की मदद करने से पीछे बिल्कुल भी ना हटें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो हार्डवेयर का व्यापार करने वाले जातकों को आर्थिक नुकसान का सामना आज करना पड़ सकता है। अगर आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़े सौदे करते समय आप थोड़ा सा सावधान रहें, नहीं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका आज का दिन कैसा रहा है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं।